दोस्तों आज 23 जुलाई 2022 को आई IC बैंक के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर Q1 में इंटरेस्ट अर्न तेईस करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये बाईस करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यूबन में ये बीस करोड़ था तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिक्सटीन की बढ़त है और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर ये 4.4 परसेंट बढ़ा है Q1 में टोटल इनकम 28,336 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये सत्ताईस करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये चौबीस करोड़ था तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिक्सटीन की बढ़त है और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर यह थ्री बढ़ा है Q1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,309 करोड़ के आसपास है जो प्रीवियस क्वार्टर में यह दस हज़ार दो सौ तिरानवे करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यूबन में, तो में ये आठ हज़ार आठ सौ चौरानवे करोड़ था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फिफ्टीन पॉइंट नाइन परसेंट की बढ़त है और, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट बढ़ा है क्यूबन में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज़ एक हज़ार एक सौ तैंतालीस करोड़ बिरासी लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये एक हज़ार अड़सठ करोड़ पंचानवे लाख था और प्रीवियस ईयर के क्यूबन में ये दो हज़ार आठ सौ इक्यावन करोड़ था तो प्रोविज़न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग साठ परसेंट की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये सात परसेंट बढ़ा है क्यूवन में नेट प्रॉफिट छः हज़ार नौ सौ चार करोड़ चौरानबे लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में सात हज़ार अट्ठारह करोड़ इकहत्तर लाख था और प्रीवियस ईयर के क्यूवन में ये चार हज़ार छः सौ सोलह करोड़ दो लाख था तो नेट प्रॉफ़िट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1.6 परसेंट गिरा है ब्रोकरेज हाउसेस को नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 40 परसेंट इनक्रीज़ की उम्मीद थी और इस बैंक ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उनचास परसेंट से भी ज़्यादा का इंक्रीज दिया है तो दोस्तों इस बैंक ने इस मामले में आउट परफॉर्म किया है क्यूबन में अर्निंग पर शेयर नौ रुपये तिरानवे पैसे है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये दस रुपये दस पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्यूबन में ये छः रुपये सड़सठ पैसे था तो ई में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग उनचास की बढ़त है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 1.7 परसेंट गिरा है अब चलिए हम लोग एन पी रेशियोज़ को देखते हैं क्वार्टर वन में ग्रॉस एन पी ए परसेंटेज थ्री परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.6 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्यूबन में ये 5.15 परसेंट था तो ग्रॉस एन पी ए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 19 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है क्यूबन में परसेंटेज ऑफ नेट एन पी परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 0.76 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्यूबन में ये 1.16 परसेंट था तो नेट एन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह छः बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है क्वार्टर वन में इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 13,210 करोड़ दो लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12,604 करोड़ छप्पन लाख था और प्रीवियस ईयर के क्यूबन में यह दस करोड़ छिहत्तर लाख था तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ट्वेंटी की बढ़त हुई है और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर यह 4.8 परसेंट बढ़ा है ब्रोकरेज हाउसेस को इस बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ट्वेंटी परसेंट की इंक्रीज़ की उम्मीद थी और इस बैंक में ट्वेंटी वन परसेंट का इंक्रीज़ दिया है तो यहाँ भी इस बैंक ने आउट परफॉर्म किया है तो दोस्तों क्वार्टर वन में इस बैंक ने एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया है तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं इस वीडियो में इतना ही अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद